हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमन पांडे। आज हम करेंगे साइंस मोशन का लेक्चर 10, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो हम अपना इसमें स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ के आइए, थोड़ा ना हमारे प्रीवियस लेक्चर को ले सकते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे लक्ष्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन या अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो इसमें क्या बोला है देखो, वो दिखाता हूँ मैं क्या बोला है। वैसे आप पता तो कर लोगे, आप इतने इंटेलिजेंट हो गए मेरे साथ रहते रहते मेरी वीडियो देखते देखते। ए मैन गोज अपहिल, एक आदमी है, ये आदमी देखो, ये आदमी छोटा सा आदमी, इसका नाम रखते हैं हम, क्या नाम रखा आप ही बताओ। चलो आपने कुछ बताया होगा तो वही नाम है, इसका नाम है लेट, इसका नाम हमने रखा एक्स, लेट एक्स। तो हम ये एक पहाड़ में चढ़ रहे, ये पहाड़ है, ये पहाड़ में चढ़ा, ये चढ़ते चढ़ते कितनी एवरेज स्पीड है उसकी 35, ठीक है 35 किलोमीटर है, ठीक है ये रहा। और फिर वो वापस से नीचे आ गया, मैं सोचो यहीं से वापस नीचे आ गया, मतलब वापस नीचे आ गया। तो ये हमारा एक्स आ गया नीचे, कितने से 45 से आ गया। तो बताओ दोनों डिस्टेंस से, मतलब ये यहीं पे नीचे आया। देखो मैं फिर से बता देता हूँ ये कैसे नीचे आया। देखो देखो हाँ देखो ये देखो, ये पहाड़ है हमारा और ये आदमी है। आप करने की कोशिश करो, अगर आपको समझ आ गया तो हमारा आदमी है, ठीक है। ये ऊपर चढ़ा और वापस नीचे आ गया 35 की स्पीड से। अब बताओ तो टोटल डिस्टेंस क्या है पूरी एंटायर जर्नी, इसमें डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। तो मतलब इसमें यही बताया कि ये ऊपर से नीचे आ गया। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या एंटायर जर्नी की। आप अपना आंसर जल्दी से करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो अपना आंसर इसमें जरूर बताइए। आपके पास 5 सेकेंड है, अगर आपसे 5 सेकेंड में नहीं हो रहा है तो आप पॉज करके भी कर सकते हैं। अपना आंसर तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा 38 into 39 by 38 या 40 किलोमीटर या none of these। तो अपना आंसर जल्दी से करें। तो आप क्या आंसर निकल गया होगा, तो इसका सही आंसर है 39। कैसे देखो ऐसे, ये आपने पहले रुको ये क्या हो गया, तो देखो ये क्या बोल रहा है, ए टू बी 35 किलोमीटर, ए टू बी मतलब ए से बी गया, मतलब इसको हमने माना, इसको ए माना, इसको बी माना, ये ए से बी गया कितने में 35 में, और बी से ए में आया 45। तो इसकी एवरेज स्पीड, ये शॉर्टकट फार्मूला था, मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं समझा तो फिर से देख लीजिए, मैं हमने उसमें पूरी डिटेल में बताया है, ये पहली वीडियो में बताया हमने शायद, वरना आप देख लेना। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये यू हमारा और ये वी है, तो हम इसमें पुट करेंगे तो इसको करके आ जाएगा। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो बताना यहाँ पर क्या आएगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, देखो अरे हर बार क्या हो जाता है, देखो एक ट्रेन है, ये ट्रेन ट्रैवलिंग विद ए स्पीड, एक ट्रेन है ये जा रही है, नहीं ट्रेन इज पहाड़ी, देखो एक ट्रेन है, ये देखो एक ट्रेन है, कहाँ है देखो ये एक ट्रेन, ये देखो ट्रेन, ये ट्रेन है, ये इसका एंटीना निकला ट्रेन का, ये ट्रेन है, ये ट्रेन क्या है, ये ट्रेन थोड़ी टेढ़ी है, कोई नहीं ये हमारी ट्रेन है, ठीक है हमारी ट्रेन है, ये जा रही है कितने की स्पीड से, 90 की स्पीड से। उन्हें ब्रेक अप्लाइड हो गई तो एक्सलेरेशन हुआ 0. यहाँ से इसका जो एक्सलेरेशन हुआ इतने में उसका हुआ 0 - 0.5। तो बताओ कितनी दूर तक जाएगी। आपके पास आंसर देने का बस 5 सेकेंड है, तो अपना आंसर जल्दी से करें। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, पहला ऑप्शन है 625 सेंटीमीटर, दूसरे में 652 मीटर, तीसरे में 605 मीटर और चौथे में 625 मीटर। तो अपना आंसर जल्दी से करें। आपके आपने आंसर किया होगा तो हम चलते हैं आंसर में थोड़ी देर में। तो अपना आंसर और आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका आंसर है ये लास्ट वाला, देखो कैसे, देखो ऐसे ऐसे देखो कैसे, देखो यू हमें बताया था, यू हमें 90 है, 90 मतलब 25 किलोमीटर में है, आगे समझ किलोमीटर में है ना, तो वी हमारा आ गया 0 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन हमारा ये है, क्योंकि हमें सब ये मानता
तो थर्ड इक्वेशन ये हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको रीअरेंज कर लेना, हमें एस निकालना है, मतलब डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हो जाता है हमारा, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0 - 6 - 5 = s, 2 - ये पुट कर देंगे, तो इससे माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे कट गया, तो इनटू ये 10 ऊपर चला गया, ठीक है, 10 और ये पूरा इससे कट जाएगा, तो आगे जाएगा ये मीटर में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये हमारी ट्रेन है, तो ये रहा हमारा ये, तो इसमें अनपना आंसर जल्दी से बताइए, इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है इफ ए बॉय, एक बॉय आदमी है, एक बॉय आयरन मैन, ये हमारा आयरन मैन है, ठीक है, ये हमारा आयरन मैन है, ठीक है, देखो ये हमारा आयरन मैन, ये बॉय टेक्स मच टाइम विद रनिंग 10 meters, ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है 10 meters की, 10 meters की, ठीक है, डिस्टेंस, और एक कार टेक कवरिंग 24, और एक कार है, देखो गलती से हुआ है, एक कार जा रही है, ठीक है, 25 meters, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, टाइम कवर इन 1 kilometer, तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड बॉय कितना टाइम कवर कर रहा है, टाइम मतलब एक कार कंप्लीट इन 1 kilometer में, ठीक है, आप अपना आंसर जल्दी से बताएं, अगर आपको टाइम लगा है तो आप कर सकते हैं, और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और 400 मीटर या 40 मीटर या 250 मीटर 650, अपना आंसर जल्दी से करें, फिर से बता दो क्वेश्चन, एक बॉय है वो चल रहा है इतना कुछ टाइम लगाकर इतना चल रहा है, और एक कार है कुछ टाइम लगा के वो भी कुछ इतना चल रही है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, तो बताओ बॉय का डिस्टेंस कितना होगा ड्यूरिंग द टाइम, और कुछ टाइम में तो कवर 1 kilometer, तो इसका सही आंसर 400, कैसे देखो ऐसे, देखो लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय का हमने माना कोई भी, या कार का माना हमने सी, इसका मतलब होता है ऊपर का नीचे उतार देना, ऊपर का नीचे उतार देना, ये अपने मैथ में यूज़ करते होगे आप, मतलब मैथ में यूज़ करते होगे, ये काटा है, ठीक है, ये भी मत समझना कुछ कोई इंट्रक्शन है, देन बी डिवाइड बाई सी, बी डिवाइड बाई सी, ठीक है, बी डिवाइड बाई, ये ऐसा साइन आ जाएगा डिवाइड है, तो 10 - 25 और 2 - 5 इसको काट पीट के आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड कार, ये डिस्टेंस है बॉय और कार में, तो हम मानेंगे 5 बी, ये हमारा 5b है ना, ये 5b और 2c मान 2c है हमारा, तो c = 1 kilometer, c हमें यहाँ पे गिवन है, देखो 1 kilometer कार कवर 1 kilometer, कार हमारा आ गया 1 kilometer, तो मीटर में इतना आएगा, तो 5 × b, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे वो गलती से 3 लिख दिया, 3 हाँ कुछ 3 लिख दिया था, यहाँ पे इंटू 2 कर लेना, और यहाँ पे भी इंटू 2 कर लेना, ठीक है, तो देखो इंटू, ये इंटू का साइन है, 0 नहीं है, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 5 यहाँ पर आया, क्योंकि बी से मल्टीप्लाई हुआ था ना, 5 देखो कितना 5 कहाँ से आया, देखो हाँ यहाँ से आया, देखो कहाँ से आया, यहाँ से आया 5, देखो ये आया था ना 5, इसको काट कर, तो 5 × b करेंगे, और 2 यहाँ 2 × 1000 करेंगे, तो इसके इससे काटेंगे, तो 200 आएगा, 200 × 2 = 400, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग द, इसमें कुछ है शायद, अरे ये क्या हो गया, रुको इसमें मैं ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए, ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये आंसर मैंने ऐसे ही डाला था, देखो ये आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये गलत है थोड़ा, ठीक है, ये हमारा ये है, देखो ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, ये 10 seconds है और ये 20 seconds है, मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, और ये हमारा कुछ यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, यहाँ पर है हमारा 20, और ये हमारा यहाँ पे 40, ठीक है, हमारा 40 है, तो उसमें क्या बोल रहा है, देखो ये एक हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसमें पूछ रहा है ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, तो उसमें हमें पूछ रहा है, तो बताओ कि 10 और 20 सेकंड के बीच में कितना है, ये गलत है आंसर, मैं पहले बता रही हूँ आपको, तो अपना आंसर जल्दी से करें, पहला 200 - 360, तो ये 270 या 400, तो सही आंसर 200 ही है, वो तो मैं ऐसे ही बोला था, तो देखो इसका आंसर 200 कैसे है, ये देखो कैसे है 200, इसमें यहाँ पे कर देते हैं हम 200, देखो ये हमें पूरा इसका निकालना 10 से, देखो ये पूरा कितना टाइम लग रहा है हमें यहाँ से, देखो कितना ये 20 - 10, ठीक है 20 - 10 है, हमें क्या पूछा है, द डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस है ना, तो मल्टीप्लाई स्पीड इंटू टाइम होता है ना, s =
डी बाई टी, हमें डी बाई टी हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डी इधर गया, ये इसके मतलब टी इधर गया, तो ऐसा वाई टी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टी, और हमारा ये आ गया 44,000, रुको ये हमारा आ गया, रुको एक मिनट, ये हमारा आ गया 400 आ गया हमारा, रुको। हाँ देखो, हम ये ट्राइंगल का निकाल लेंगे, ये ट्राइंगल का निकाल लेंगे तो कुछ आएगा यहाँ पे, ये माइनस करके 10 आएगा, इंटू करके 40 आएगा, 400 नहीं आएगा, 40 आएगा, और बाय में यहाँ पे 10 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ट्राइंगल फॉर्म कहता है बेस इंटू वो बेस इंटू होता है, जैसे एक आटा 20 हुआ तो आ गया 200 मल्टीप्लाई करके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिगर आ गया ना, वो बाद में था इसलिए हटाया। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक कार मूविंग विद स्पीड, एक कार है वो कुछ स्पीड से चल रही है, वो कुछ स्पीड इतनी है, देखो ये कार है हमारी, ये कार है, कार है, ये कार है हमारी, कुछ स्पीड से चल रही है, ये कुछ स्पीड है 50, और वो ब्रेक लगा देती है 6 मीटर में, ये ब्रेक लगा दी इसने 6 मीटर में। तो बताओ वही सेम कार अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, तो बताओ मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो बताओ कम से कम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, तो अपना आंसर जल्दी बताएं। पहला बोला है 12, आपके पास 5 सेकंड, 12, 18, 24 या 6, तो आपके पास कम से कम समय है, आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी में बताएं। तो इसके चलते हैं इसके आंसर पे, इसका आंसर कुछ 24, देखो कैसे, देखो ऐसे, ये देखो यम को ये सब गिवन था, देखो हमने इसको मीटर पर सेकंड में निकाल दिया, तो अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि बहुत लंबी क्वेश्चन आ जाएगी, तो हम करेंगे बाय 30 क्वेश्चन से इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, मतलब फॉर्मूले में ये डाल देंगे, कुछ ये आएगा, ठीक है, काट के देख, आप देखना है कैसे क्या क्या है। देखो भी हमारा है 0 माइनस कितना था, ये था 50 बाय 18 इंटू 2 इंटू एस करके कर लेना, और तो यहाँ पे हम कि हमारा आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से, तो हमारा एक्सेलरेशन इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमें वी था हमारा, वी देखो यहाँ पे लिखा है 0 था, और यू हमारा इतना था, तो बताओ यू यहाँ पे ना 100 था यू, ठीक है, यहाँ पे दूसरी बार में 100 था, ये ध्यान रखना दूसरी बार में 100 था, तो यहाँ पे आप करके देख लेना ये आंसर ही आएगा। तो हम चलते इसके उसकी तरफ, रुको एक मिनट, हाँ ठीक है। A man traveled 35 partialistic kilometer at 5 km. If he covered former distance at 5 km and later the distance 4 km, he could cover 2 km more in the same time. The distance traveled to cover the whole alternate journey. मैं क्या बोल रहा है, एक मैन है वो ट्रैवल करता है 35 किलोमीटर एट ए किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक है, एक आदमी है वो ये इतना कवर करता है 5 किलोमीटर में वो फॉर्मर डिस्टेंस, और वो फॉर्मर डिस्टेंस ये करता है, और लेटर उसके बाद इतनी डिस्टेंस में स्पीड उसकी इतनी होती है, तो अगर वो 2 किलोमीटर और ज़्यादा चलेगा तो बताओ उसी टाइम में चलेगा तो बताओ टोटल टाइम कवर इन द टोटल, मतलब पूरा डिस्टेंस बताओ टाइम टेकन टू कवर, तो टाइम बताओ पूरा डिस्टेंस कवर करने में, तो आपका जो 5 सेकंड का टाइम है, क्या बोले इसमें 9 आवर 7 आवर 4 × 1/2 या 8 आवर, तो आपका आंसर जल्दी से करें, तो आपका आंसर आ गया हो तो इसका सही आंसर है 8 आवर। कैसे देखो, ऐसे हमें दिया था इतना 35 और यू हमें दिया था इतना, तो इफ़ ए मैन ट्रैवल 2 मीटर मोर, अगर वही मैन 2 मीटर और ज़्यादा चलेगा तो 35 प्लस 2 हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो हमें टाइम निकालना है तो टी बाय 5 आएगा, यहाँ पे ये नहीं है तो इसके आसपास का नंबर देखो कहीं पे है, हाँ है 8 है ना, देखो 8 है, देखो ये आ गया, रुको एक मिनट, अगर 10.4 से भी ज़्यादा गया तो 8 आवर होगा, ठीक है, ये देखो 4 1/2 इसका कितना होगा इंटू 1/2, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर 8 सही है। इसमें क्या बोल रहा है ये, इसमें एक कार्ट है, यहाँ पे स्पीड कुछ ज़्यादा है, इसको काट देते हैं, एक कार्ट है टू कवर ए डिस्टेंस 80 किलोमीटर 10 आवर, एक कार्ट है, ये हमारी कार्ट है बैलगाड़ी, ठीक है, कार्ट है हमारी, हमारी कार्ट है, ये हमारी कार्ट है ना, ठीक है,
सकता। हमारी कार तो ये 80 किलोमीटर चलती है 10 घंटे में, 80 किलोमीटर चलती है, 80 किलोमीटर चलती है 10 घंटे में, कवर हाफ। अगर वो आधी जर्नी कर रही है 3/5 5th टाइम में, अगर वो पूरी उसका टाइम लग रहा है पूरी जर्नी का, अगर सोचो पूरी जर्नी 80 दिया तो 40 40 × 3/5 लग रहा है। और शुड भी स्पीड तो बताओ, स्पीड पूरी डिस्टेंस को स्पीड करने में क्या टाइम लगेगा, टाइम नहीं, पूरी स्पीड ही नहीं लगेगी। अपना आंसर जल्दी से करो। तो पहला बोल रहा है आपके पास 5 सेकंड है, आप 8 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर या 6.4 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर, तो चलते इस आंसर की तरफ। आपका आंसर आ गया होगा, अगर नहीं हो रहा तो आप पॉज क्लिक करना है जरूर। 10 किलोमीटर देखो कैसे, देखो ऐसे इसमें थोड़ा ख़राब दिखाई दे रहा होगा आपको। 8 हम एस हमारा है 80 और टी हमारा 10, और अगर वो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतनी हाफ डिस्टेंस इतनी है, तो टाइम लग रहा है 6 आवर। देखो कैसे 10 × 2/5, देखो 10, हाँ देखो क्या बोला उसने, वो बोल रहा है पूरी टाइम, मतलब इसमें ये देखो क्या बोल रहा है, इसमें देखो ये बोल रहा है इफ इट कवर हाफ ऑफ द जर्नी, इतना मतलब वो पूरे टाइम में, अगर उसका पूरा टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 तो याद आएगा। तो देखो आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 है ना, ठीक है 3 आ गया ना, तो इसको इससे काटा 2 आया, 2 × 3 = 6, तो टाइम ये इतना आ गया। तो बचा हुआ टाइम कितना है 4 आवर, तो 4 आवर हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4, और बचा हुआ था 40, ये आ गया। ठीक है देखो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो एस हमारा इतना, ये हमें गिवन है, बस ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इससे हाफ निकालेंगे, हाफ डिस्टेंस हमारी कितनी है 40, क्योंकि 80/2 कर देंगे तो आ जाएगा। और टी हमारा 6 कैसे आया, देखो हमें क्या होता है पूरे टाइम में, अगर हम 3/5 करेंगे तो आधा का आएगा, आधा मतलब इतना जो डिस्टेंस ट्रैवल करें इतना उतने का आ जाएगा, कितने घंटे लगे उसमें। अगर पूरे में से हम 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया हमारा 6, तो बचा हुआ कितना था 4, तो पहले हमें 4 कर रहा था, तो हमें बचा हुआ पूछा था, बचा हुआ ठीक है रिमेनिंग डिस्टेंस, तो इसमें क्या आया टाइम, तो एस इजिकल टू डी बाई 4 डी बाई टी, तो डी हमारा था 40 और डी था 4, तो 10 आ गया। ठीक है इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो एक दो ट्रेन है, एक का ट्रेन का नाम मानते बी और एक का मानते एम, एक विजया वड़ा से चल रही थी, विजया वड़ा से चल रही थी, पहुंची कुछ यहाँ पर, इसको बी वन, इसको भी एम वन, तो बी वन गई यहाँ से यहाँ तक, प्रोसीड टू वर्ड ईच, तो इतना इतना स्पीड लगी, और ये था हमारा M1 लगा, तो इसका था कुछ 16 और इसका था 21 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले का पहला और दूसरे का दूसरा रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है व्हेन दे मीट, अगर वो ना फिर वो मिलती है, आपस में मिलती है, चाय वाय पीती है, ठीक है। इट इज फाउंड डेट वन ट्रेन हैज ट्रैवल 60, उसमें से अगर सोचो ये वाली ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर मोर देन अदर, ये ना इससे 60 ज़्यादा चलती है, मतलब एक कुछ चल रही है तो 25 चल रही है, तो 25 + 60 कितना होता है 5, और 85 होता है, तो ये 85 मतलब 60 ज़्यादा चल रही है, तो इसमें ये बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज, ये मैंने एग्जांपल दिया ठीक है, इसको 25 में समझते हैं ना, तो बताओ मेरे डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना होगा दोनों में। पहले बोला आपके पास 5 सेकंड है, पहले बोला इतना 4/4/5, दो में बोला 4/4/4, तीसरे में बोला 4/4/0, इसमें बोला 4/5/0, तो इसका आंसर है 4/4, अपना आपका आंसर आया होगा। अगर आपका आंसर नहीं आया तो इसको पॉज करके कर सकते हैं। सपोज हमने माना, सपोज द ट्रेन मीट, अगर वो जब जहाँ पे देखो ये ऐसे है और यहाँ पे एक स्टॉल था, वहाँ पे वो बेच रहे थे, तो उसका नाम हमने मान लिया एक्स स्टॉल का नाम मान लिया हमने, टी स्टॉल का, ठीक है। Then 21x - 16x, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो द डिस्टेंस बिटवीन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना हमें, तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो आ गया ये तो इजिकल टू 60, क्योंकि यहाँ पे 60 दिया था, अगर उन दोनों को प्लस करें, अगर देखो अगर ये आ रहा है एक्स हमारा आ रहा है 1 आ रहा है, तो 21 1 और ये 60 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो हमारे यहाँ से x आ जाएगा, इसको माइनस करके कुछ आएगा 5 आएगा, 21 माइनस ठीक है 5 आएगा, इसको इससे काटे तो कितना आएगा, रुको 5 नहीं आएगा,
तो हम यहाँ पर क्या आएगा 21 16 रुको हाँ 5 ही आएगा तो रुको यहाँ पर 1 हाँ ठीक तो है 1 और 2 आ जाएगा ठीक है आ गया ना 1 और 2 आ गया 12 रिक्वायर्ड डिस्टेंस तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारी है रुको ये हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे लिखा है 16 इंटू 12 प्लस यहाँ पर ये 12 है 12 प्लस 21 प्लस 21 ये 21 प्लस इंटू 12 देखो ये जो है ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें एक्स एक्स में बस रख दिया हमने क्या रख दिया 12 रख दिया तो इस वजह से रखा यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस पता करनी है तो 16 इंटू यहाँ पे 12 तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा 4 4 एक और 4 है ठीक है यहाँ पे 4 4 4 तो हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें क्या बोला है एक रवि नामक है मतलब ये रवि है वो रवि नहीं एक आदमी रवि है ये रवि है ये चल रहा है एक 1200 किलोमीटर की 1200 चल रहा है ये हवा में चल रहा है ठीक है ये हवा है हमारी हवा हवा में चल रहा है विच फॉर्म 2/5 ऑफ द ट्रिप तो इसमें क्या बता रहा है 2/5 ऑफ द ट्रिप बता रहा है ये रुको 2/5 ऑफ द ट्रिप मतलब अगर इसका हम 2/5 करेंगे तो उसकी ट्रिप आ जाएगी इतनी ट्रिप उसने ट्रैवल करा है और 1/3 मतलब देखो इसमें क्या बोल रहा है इसमें अब वो 1200 चल रहा है तो फिर उसने बोला 2/5 का मतलब अगर हमें इसमें से 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा उस वो आएगा ना तो 1/3 ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड ट्रिप और उसका 1/3 जो आएगा उसका 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रिप मतलब मल्टीप्लाई 1/3 तो ही ट्रैवल बाय कार ऑन द रेस्ट तो वो 0 से स्टार्ट हुआ था ही परफॉर्म बाय द एंड तो बताओ उसका टोटल डिस्टेंस क्या है तो आपके लिए बहुत आसान हो गया ये बोल रहा है अगर वो चलता है इतने में से तो बताओ ये तो बताइए इसका 2/5 क्या होगा इसका 2/5 क्या होगा और बताओ जो आंसर आएगा उसका 1/3 क्या होगा तो और फिर बताओ जो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई आपके पास 5 सेकंड है इसमें पहले बोल रहा है 1600 दूसरे बोल रहा है 800 तीसरे बोल रहा है 1800 इसमें बोल रहा है 480 तो चलते अपने आंसर की तरफ इसका आंसर है ये 800 देखो कैसे ये हमारा रवि है रवि ट्रैवल 1200 बाय एयर 1200 चलता है तो हम इसका रुको एक मिनट रुको यहाँ पे थोड़ी सी गलती है मैं रुको एक मिनट रुको बस एक मिनट टू हाँ शायद 1200 में से काटा तो आया 600 हाँ यहाँ पे एक चीज़ गलती दे रखा है यहाँ पे ये 2/5 नहीं है इसमें थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे 5/2 है 5/2 है तो टोटल डिस्टेंस 5/2 इंटू अगर हम इसको करेंगे तो इससे इसको काटेंगे तो 600 आएगा 600 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा तो टोटल जर्नी हमें दी थी जितना आएगा उसमें से 1/3 तो 1/3 इसमें से एक आटा तो 1000 आ गया तो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे इसमें टाइम भी चलो दे दिया हमने टाइम 8 आवर है डिस्टेंस हमारा आ जाएगा सबको माइनस कर देंगे कुछ 800 आ जाएगा देखो 3000 में से 12 इसमें से हाँ तो ये आ जाएगा ठीक है ना ठीक है ये आ जाएगा तो जल्दी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो इसमें क्या बोल रहा है एक ट्रॉली वाइल गोइंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन इतना व्हाट विल द वेलोसिटी आफ्टर इतना एक इंक्लाइंड प्लेन है मतलब इंक्लाइंड प्लेन ऐसे कुछ प्लेन है इंक्लाइंड एक प्लेन है उसमें एक गाड़ी एक ट्रॉली चल रही है ट्रॉली हम बना देते हैं ट्रॉली है हमारी एक टायर दो टायर ठीक है ये हमारा ये ट्रॉली है ये चल रही है इतना है कहाँ से चल रही है यहाँ से चल रही है यहाँ तक वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है तो इसमें 3 है और एक और चीज़ बता देता मैं आपको ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ध्यान रखना सब कुछ तो इसमें क्या बोल रहा है तो जब भी आ जाए ना इंक्लाइन प्लेन वाइल गोइंग ऑन इंक्लाइन हैज एन एक्सेलरेशन इतना 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 आफ्टर स्टार्ट मतलब स्टार्ट हुई यहाँ से स्टार्ट हुई किसी ने धक्का मारा तो यहाँ से स्टार्ट हुई ठीक है और अगर ये भी नहीं आता ना आफ्टर स्टार्ट यहीं पे ख़त्म कर देता तो आपको समझना यू हमारा हमेशा 0 होता है अपना आंसर जल्दी से बताइए पहला क्या बोल रहा है -0.06 मीटर पर सेकंड दूसरा बोल रहा है 2.06 मीटर पर सेकंड या 0.06 मीटर पर सेकंड या नन ऑफ दीज
अपना आंसर जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। हाँ तो चलते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर है कुछ ये होगा, देखना कैसे होगा। आप आंसर नन ऑफ दी जा रहा होगा, देखो कैसे हो, कैसे होगा ये देखो। हाँ ये ऊपर खाली है, ठीक है खाली, यहाँ पर कुछ नहीं था। 100 रुको, ये 100 क्वेश्चन है, ठीक है ये क्वेश्चन है, कुछ 100 समझ मत लेना। हमारे टी इतना दिया है, यू हमें इतना दिया है 0, और ए हमें दिया है इतना, मैंने पहले ही बताया था इसको ध्यान से देखा ना, सेंटीमीटर। तो उसको करेंगे तो कुछ इतना आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। स्क्वायर तो जरूर लिखना है, ठीक है। पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल, तो पहली क्वेश्चन से हम करेंगे v इज इक्वल टू 0 + 0, तो v 0 प्लस ये एक्सेलरेशन, इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना आएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने से भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अगर आप इसको दबा दोगे, ये जो है इसको दबा दोगे, और लाइक करना ना भूले जिससे हमें पता चला कि आपने वीडियो देखी है। कमेंट में अगर आप कोई डाउट है तो पूछना जरूर।